हमने कुछ बेसिक बातें की थी, और पोलन ग्रेन को आज हम लोग आगे कैसे बनता है, एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने वॉल लेयर्स पढ़ ली है। एंथर के चारों तरफ जो चार वॉल लेयर्स होती है बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपेटम, राइट, अलॉन्ग विथ फंक्शंस हम लोग सारी चीज़ें जो है वो पढ़ चुके हैं। और लास्ट में मैं यहाँ तक पहुँचा था, राइट, और उसके आगे फिर आज कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखो कि ये जो टेपेटम है, जो इनर मोस्ट लेयर थी, वो टेपेटम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेयर, है ना। जैसे कि आप देखो कि ये जो टेपेटम है वो क्या क्या करती है। टेपेटम लेयर देखिएगा, टेपेटम भोजन के स्थानांतरण में मदद करती है, ठीक है। किस में मदद करती है, भोजन के स्थानांतरण में। कैसे, आप मुझे बताओ। टेपेटम जो है वो मध्य परतों से, टेपेटम मध्य परतों से भोजन को क्या करती है, अवशोषित करती है, यस और नो। और अवशोषित करके फिर उसको किस में डाल देती है, बीजाणु धानी यानी कि माइक्रोस्पोरिंजी में डाल देती है, ताकि लघु बीजाणुओं को पोषण प्राप्त हो सके। तो ये भोजन के स्थानांतरण में मदद करती है, ठीक है। ये स्पोरोपोलिनिन व पोलन किट के पदार्थों के निर्माण में तथा भोजन के संग्रहण में भी सहायता करती है। स्पोरोपोलिनिन, याद कीजिए, याद कीजिए, मैंने कहा था कल की क्लास में कि टेपेटम की जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में विशेष प्रकार की बॉडीज बनती है, जिनको कि हमने कहा था प्रोयुबिश बॉडीज, याद है। प्रोयुबिश बॉडीज टेपेटल सेल की साइटोप्लाज्म में से बाहर निकलकर और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में आ जाती है, याद है ना बेटा, मैच कर पा रहे हो। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आ जाती है। वहां इन प्रोयुबिश बॉडीज के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, स्पोरोपोलिनिन की लेयर बन जाती है, याद है, स्पोरोपोलिनिन की लेयर बन जाती है। और तब ये क्या कहलाती है, युबिश बॉडीज कहलाती है। फिर उसके बाद में मैंने बताया टेपेटम की सेल रप्चर हो जाती है। जब टेपेटम की सेल रप्चर हो जाती है, टेपेटम की सेल जब रप्चर हो जाती है, तो युबिश बॉडीज कहां पर निकल जाती, बाहर निकल जाती है, और कहां पर डाल दी जाती है, माइक्रोस्पोरिंजियम के अंदर। वहां पर जाकर ये युबिश बॉडीज क्या करती है, माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ एक्जाइन लेयर का निर्माण करती है। और वो जो एक्जाइन लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और माइक्रोस्पोर जब एक्जाइन लेयर के द्वारा जो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई सराउंड हो जाता है, तो उसी माइक्रोस्पोर को क्या बोलने शुरू कर देते हैं बेटा, पोलन ग्रेन। तो बताओ ये स्पोरोपोलिनिन के निर्माण में भी के निर्माण से भी संबंधित है। चलो, पोलन किट क्या है बेटा, ये पोलन किट का भी निर्माण करती है। पोलन किट समझते हो क्या होता है। पोलन किट जितने भी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, कीट परागित पुष्पों के, ध्यान से सुनना बेटा, कीट परागित पुष्पों के पराग कणों के चारों ओर, एक्जाइन परत के भी बाहर, जानते हो ना पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, एक्जाइन। तो कीट परागित पुष्पों के पराग कणों में एक्जाइन के भी बाहर एक तेलीय परत पाई जाती है, एक ऑयली लेयर पाई जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट इज पोलन किट। वी के कॉल इट इज व्हाट, पोलन किट। और ये जो पोलन किट होती है बेटा, ये क्या करती है, ये इंसेक्ट अट्रैक्टेंट होती है, ये कीटों को पुष्प की तरफ आकर्षित करती है, क्लियर है, ये कीटों को पुष्प की तरफ आकर्षित करती है। तो ये इंसेक्ट अट्रैक्टेंट है, नंबर वन। तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी तो बताओ फ्लावर के अंदर पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, परागण के चांसेस बढ़ जाएंगे, ये सुनो। चलो नंबर टू, और क्या है, ये पोलन ग्रेन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। पोलन ग्रेन को पराबैंगनी विकिरणों से अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का भी काम किसका होता है, दैट इज पोलन किट का होता है। तो पोलन किट भोजन के स्थानांतरण में मदद कर रही है, स्पोरोपोलिनिन बनाने में मदद कर रही है, पोलन किट के पदार्थों के निर्माण, पोलन किट भी बना रही है, तो स्पोरोपोलिनिन व पोलन किट के पदार्थों के निर्माण में तथा भोजन के संग्रहण में भी सहायता करती है। कैसे, भोजन के संग्रहण में कैसे,
याद करो, मैंने कल की क्लास में पूरा डिटेल में बताया था बेटा कि टेपेटम सेल्स जब मिडिल लेयर से भोजन को अवशोषित करती है, टेपेटम सेल्स जब क्या करती है, मिडिल लेयर से भोजन को अवशोषित करती है, तो उस भोजन को वो विशेष कणिकाओं के अंदर संग्रहित कर लेती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उनको हम क्या कह रहे थे, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। उनको क्या कहा था मैंने, प्रोटोप्लास्ट बॉडीज कहा था, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट बॉडीज के अंदर ये क्या कर देते हैं, संग्रहित कर देते हैं, क्लियर है। दूसरी चीज, टेपेटम के द्वारा, याद रखना, टेपेटम के द्वारा कैलेज एंजाइम भी स्त्रावित होता है। टेपेटम के द्वारा क्या स्त्रावित होता है बेटा, कैलेज एंजाइम स्त्रावित। कैलेज एंजाइम का क्या रोल होता है ये आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये कैलेज एंजाइम का भी क्या करती है, स्त्रावण करती है। कैलेज एंजाइम याद रखना, आज की क्लास में इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। तो कैलेज एंजाइम भी स्त्रावित करती है। इतना ही नहीं, ये हार्मोन्स भी स्त्रावित करती है, हार्मोन स्त्रावित करती है। इसके द्वारा हार्मोन भी स्त्रावित होता है। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हर किताब में लिखा हुआ है कि टेपेटम के द्वारा एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो हमको क्या मालूम पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम और कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है। तो पहली बात तो बता दूं कि कैलेज एंजाइम स्त्रावित होता है, याद रखना, कैलेज एंजाइम स्त्रावित होता है। और टेपेटम के द्वारा थोड़ी बहुत मात्रा में, बहुत कम मात्रा में एक ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन तो आपने सुना ही होगा 11th क्लास में। तो ऑक्सिन हार्मोन का भी क्या करती है, स्त्रावण करती है, लेकिन शुष्क मात्रा के अंदर। और पोषण देना, और पोषण तो इसका रोल है ही, है ना, लघु बीजाणुओं को पोषण देना, लघु बीजाणुओं को पोषण देना, राइट, वो तो इसका रोल है ही। तो बहुत सारे रोल हैं इस टेपेटम के, क्लियर। नाउ परागधानिया, ये क्यों पढ़ा रहा हूं अभी परागधानिया, क्योंकि मुझे आज लघु बीजाणु जनन पढ़ाना है ना। तो पहले ही बता दूं कि एक द्विपालित परागकोष जो होता है, आप सब जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ा दिया है कि जो एक द्विपालित परागकोष होता है बेटा, द्विपालित परागकोष है ना, द्विपालित परागकोष बोले तो बाई लोब्ड एंथर, है ना, याद रखना, बाई लोब्ड एंथर, ठीक है। बाई लोब्ड एंथर के अंदर चार परागधानियां होती है। एक बाइलोब्ड एंथर के अंदर, याद रखिएगा, बाइलोब्ड एंथर के अंदर चार परागधानियां होती है। परागधानियों को लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ये आपने पहले पढ़ लिया है बेटा, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैंने आपके सामने एक बाइलोब्ड एंथर पहले बनाया हुआ है, ठीक है। और इस बाइलोब्ड एंथर के अंदर ये चार क्या है, चार कोनों पर चार क्या चीजें, परागधानियां हैं। आप इसको परागधानी कहो या लघु बीजाणुधानी कहिए, है ना, क्योंकि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु है, या परागधानी के अंदर परागकण है, कुछ भी कहिए, तो परागधानी है। तो ये बेटा क्या चीज है, परागधानी है ये, है ना, ये क्या चीज है, परागधानी है, राइट। तो परागधानियों को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। परागधानियों में नेचुरल है कि परागधानियों में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब इस परागधानी के अंदर या लघु बीजाणुधानी के अंदर, कुछ भी कह लीजिए, इसके अंदर बेटा यहां पर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। याद रखना, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है ना बेटा, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हमेशा ध्यान रखो द्विगुणित होती है। इंग्लिश के अंदर इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अंदर मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो उनसे क्या बनेंगे, चार लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, चार लघु बीजाणु। इनके बारे में पूरा डिस्कशन होगा आगे चलकर। जैसे मैंने कल भी कहा था कि लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु कैसे बनते हैं, वो आज की क्लास में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमको आपको केवल एनसीईआरटी की तरह या आपको सामान्य नहीं पढ़ाना है ना, आपको बहुत डेप्थ के अंदर जाकर हमें पढ़ाना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चैप्टर बड़ा है, एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाएंगे। मैंने क्या कहा आपको, क्लास अटेंड करने के बाद में, सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद में, इट्स माई गारंटी कि आप 95% क्वेश्चन किसी भी बुक के कर पाएंगे, ठीक है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो लघु बीजाणु धानी के अंदर है, उसके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस के फलस्वरूप
लघु बीजाणु का निर्माण होगा, और वो जो लघु बीजाणु है वो कितने बनेंगे, चार। लेकिन वो कैसे होंगे बेटा, अगुणित होंगे, है ना, कैसे होंगे, अगुणित होंगे, क्योंकि ये द्विगुणित है, इसमें मियोसिस हुआ है, तो अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लघु बीजाणु जनन, है ना, अभी क्या आ रहा है बेटा, लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये सामने बनाया हुआ है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, क्या कहा मैंने, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु जनन है, इसकी पूरी प्रोसेस कैसे, पूरा के पूरा जो डेवलपमेंट से लेकर हर चीज, मतलब एंथर के डेवलपमेंट से लगाकर, मतलब अभी जब शुरू करेंगे ना बेटा, तो आपको न केवल यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलेगा, अपितु यहां पर आपको एंथर का भी डेवलपमेंट साथ के साथ देखने को मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एंथर डेवलप होगा तभी तो उसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। तो आपको लघु बीजाणु जनन तो पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन साथ के साथ आप देखोगे कि यहां पर आपको एंथर का डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा डायग्राम के साथ में, ठीक है। नाउ प्रारंभिक अवस्था में पराग कोश एक छोटे से उभार के रूप में निकलता है जो गोल या अंडाकार संरचना दर्शाता है। आर यू गेटिंग, क्या कहा मैंने, प्रारंभिक अवस्था में बेटा जो पराग कोश होता है, पराग कोश जैसा आपको ऐसा दिखता है ऐसा होता नहीं है, वास्तव में जो प्रारंभिक अवस्था में जो पराग कोश होता है वो एक छोटे से उभार के रूप में निकलता है जो गोल या क्या होता है, अंडाकार संरचना होती है। मतलब प्रारंभ के अंदर ये एक छोटी सी एक रचना होती है बेटा, है ना, जैसे ये एक छोटी सी एक रचना है इस प्रकार की, और जिसके चारों तरफ क्या है बेटा, अधिचर्म है, जिसके चारों तरफ क्या है, अधिचर्म है, क्लियर। तो इसके चारों तरफ तो क्या होता है, अधिचर्म, समझ में आ रहा है, इसके चारों तरफ तो क्या होता है, अधिचर्म। शुरुआती बात कर रहा हूं कि प्रारंभिक अवस्था में मैं आपको एंथर का डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, तो पराग कोश एक छोटे से उभार के रूप में निकलता है जो गोल या अंडाकार संरचना होती है। इस अवस्था में ये अविभेदित होता है, अविभेदित मतलब समझते हो, जिसके अंदर विभाजन की क्षमता है, तो नेचुरली कि इसके अंदर विभज्योतक कोशिकाएं होती है। इसके अंदर क्या होती है बेटा, इसके अंदर भरी हुई क्या होती है, विभज्योतक कोशिकाएं, इसके अंदर भरी हुई विभज्योतक कोशिकाएं होती है। और इतना तो सब लोग जानते हो कि विभज्योतक कोशिकाएं यानी कि जो मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है वो हमेशा अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, अविभेदित सेल्स होती है, और उनके अंदर विभाजन की क्या होती है, क्षमता होती है। तो नेचुरली बेटा कि इनके अंदर जो कोशिकाओं का जो समूह है वो कौन सा है, विभज्योतक है, तो नेचुरली कि उनके अंदर विभाजन की क्षमता होगी, जो कि बाहर से एक कोशिका मोटे बाह्य स्तर से घिरी रहती है। ये देखो बाह्य स्तर से घिरी हुई है, मैंने पहले ही लिख दिया है ये कौन सी, अधिचर्म है। तो समझ में आ रहा है, ये पराग कोश शुरुआत में ऐसा था जिसके चारों तरफ तो अधिचर्म है और भीतर जो भरी हुई कोशिकाएं हैं, जो भीतर की और कोशिकाओं का समूह है, उसको हम लोग अविभेदित विभज्योतक कोशिकाएं कहते हैं। अविभेदित है तो नेचुरली कि उनके अंदर विभाजन की क्या होगी, क्षमता होगी, उनके अंदर विभाजन की क्षमता होगी। अब धीरे धीरे इसके मध्य क्षेत्र में संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, धीरे धीरे इसके बीच में, बिल्कुल धीरे धीरे इसके मध्य क्षेत्र में संवहन ऊतक बनने लगते हैं। संवहन ऊतक बनने लगते हैं कैसे, यहां पर इधर की साइड में बीच में बिल्कुल यहां पर क्या बन गया है, संवहन ऊतक बन जाते हैं। इसके बीच में क्या बन जाते हैं बेटा, संवहन ऊतक, यहां पर संवहन ऊतक बन जाते हैं। और इसी के साथ चारों कोणों पर स्थित अधिचर्म के ठीक नीचे, अब ये खास बात है ना, इसको समझना, क्या कहा मैंने, धीरे धीरे इसके मध्य क्षेत्र में संवहन ऊतक बन गए, बात खत्म। और इसी के साथ चारों कोणों के ऊपर, चारों कोने का मतलब समझते हो, ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना और ये चौथा कोना, चारों कोनों पर स्थित अधिचर्म के ठीक नीचे बेटा, अधिचर्म के ठीक नीचे, मैं अभी आपको एक अलग से डायग्राम भी ड्रॉ करके बताऊंगा, अधिचर्म के ठीक नीचे, अधिचर्म के नीचे कौन होती है, अधश्चर्म। अरे भाई एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस। अधश्चर्म नहीं समझ में आए तो हाइपोडर्मिस क्षेत्र में उर्ध पंक्तियों में समूह में स्थित कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती है, बड़ी होकर अपने स्पष्ट केंद्रक तथा घने कोशिका द्रव्य के कारण शेष कोशिकाओं से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। बात समझ में आ रही है, मतलब क्या हुआ, जैसे ही ये सब बीच में एक संवहन ऊतक बन जाता है तो इसी के साथ में चारों कोनों पर बेटा, चारों कोनों पर अधिचर्म के ठीक नीचे जो हाइपोडर्मिस क्षेत्र होता है, राइट,
वहां पर ऊर्ध्व पंक्तियों में समूह में स्थित कोशिकाएं, ऊर्ध्व पंक्तियों में समूह में स्थित कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। समूह में स्थित कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, उनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, उसमें घना जीव द्रव्य यानी कि डेंस प्रोटोप्लाज्म या डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और ये शेष कोशिकाओं से क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। इन कोशिकाओं को आर्किस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या हुआ है, इनको क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल। इसको यदि मैं बनाकर आपको बता दूं तो जरा देखिएगा किस तरीके से होगा बेटा। ये चार कॉर्नर है, ध्यान दीजिएगा, ये चार कॉर्नर है, राइट, ये चार कॉर्नर है, ठीक है। अब चारों कॉर्नर पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, चारों कॉर्नर के ऊपर क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि ये तो अधिचर्म है, ये देखो ये क्या है, आपको ये क्या है, ये तो अधिचर्म है बेटा, है ना, ये तो सब लोग जानते हो, ये अधिचर्म है। तो अब अधिचर्म के ठीक नीचे क्या कहा मैंने, अधिचर्म के चारों कोनों पर, अधिचर्म के ठीक नीचे, अधिचर्म के ठीक नीचे कौन सा क्षेत्र होता है, अधिचर्म के ठीक नीचे अधश्चर्म क्षेत्र होता है बेटा, है ना। तो ये यहां पर, ये जो कोशिका है यहां पर, ये देखो ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट, यहां पर जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है चारों कोनों पर, एक कोने पर नहीं, चारों कोनों के ऊपर, समझिएगा। ये देखो अधश्चर्म के नीचे उक्त पंक्तियों में समूह में स्थित कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इनके अंदर घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, राइट, और ये शेष कोशिकाओं से आपको बिल्कुल भिन्न नजर आती है। जानते हो बेटा इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। कल कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, राइट, शायद उनको कल भी मैंने जवाब तो दे दिया था, लेकिन आज और डायग्रामेटिकली आप लोग देख लें, ये आर्किस्पोरियल सेल है। आर्किस्पोरियल सेल को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रपशु कोशिका, और यही वो सेल है, यही वो सेल है जिससे पूरे के पूरे एंथर का डेवलपमेंट होगा। तो एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे जो क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है बेटा, हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मल क्षेत्र, हाइपोडर्मिस है ना, जिसको कि अधश्चर्म कहते हैं। उस अधश्चर्म वाले भाग में कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, आकार में बड़ी होकर, जिनके अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिनके अंदर घना जीव द्रव्य पाया जाता है, ये कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं से भिन्न होती है और ये आर्किस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करती है, ये आर्किस्पोरियल सेल की तरह बिहेव करती है। आई थिंक सो, यहां तक क्लियर है बेटा, ये आर्किस्पोरियल सेल की तरह बिहेव कर रही है। अब देखो, ये देखो, ये एंथर का डेवलपमेंट है ना, एंथर का डेवलपमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा अभी एंथर का डेवलपमेंट है, राइट, दिस इज एंथर डेवलपमेंट, ये एंथर का डेवलपमेंट है, ये एपिडर्मिस है। और आप जान सकते हो कि एपिडर्मिस के अंदर ये क्या चीज है, मेरिस्टमेटिक सेल है। मेरिस्टमेटिक सेल बोले तो विभज्योतक कोशिकाएं, ये विभज्योतक कोशिकाएं हैं, और इनके अंदर विभाजन की क्या होती है, क्षमता होती है, आप जानते हैं। ये जो आपके सामने बना हुआ है, दिस इज ए टीएस ऑफ ए यंग एंथर, ये एक तरुण पराग कोश का, तरुण पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है, राइट, तरुण पराग कोश का क्या है बेटा, ये अनुप्रस्थ काट है, राइट। शीघ्र ही आप क्या होता है, ये देखो शीघ्र क्या होता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे, ये देखो एपिडर्मिस के ठीक नीचे कौन सी होगी, हाइपोडर्मिस होगी ना, हाइपोडर्मल रीजन के अंदर, हाइपोडर्मल रीजन के अंदर कुछ सेल्स कैसे ट्रीट करती है, आर्किस्पोरियल सेल की तरह ट्रीट करती है। ये रहा चारों कॉर्नर पे ना, एक कॉर्नर पे नहीं बेटा, देखो चारों कॉर्नर पे मैं बना देता हूं, ये देखो कलरफुल बना देते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये चारों कॉर्नर के ऊपर क्या बन गई, आर्किस्पोरियल सेल बन गई, और यही आर्किस्पोरियल सेल पूरे एंथर के डेवलपमेंट में मदद करेगी। आर्किस्पोरियल सेल बोले तो प्रपशु कोशिका हिंदी के अंदर, हालांकि ज्यादा पॉपुलर नाम आर्किस्पोरियल सेल है, और यही अब आर्किस्पोरियल सेल आगे चलकर डेवलपमेंट करेगी। याद रखना बेटा, ये आर्किस्पोरियल सेल जो है इसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, है ना, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं दे रखा है, और यदि आप आर्किस्पोरियल सेल नहीं पढ़ते हो तो आगे का पूरा डेवलपमेंट आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो बताओ चारों कोने के ऊपर आर्किस्पोरियल सेल बन गए, और जरा देखो बेटा ये क्या है, ये सब क्या है, एपिडर्मिस है। ये वाली जो सेल्स आपको दिख रही है, ये वाली, ये सब क्या है, ये तो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोडर्मिस। तो इस हाइपोडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो गई, कुछ सेल्स जो है वो आर्किस्पोरियल सेल की तरह बिहेव कर रही है। आर यू गेटिंग, राइट।
तो ये आर्किस्पोरियल सेल क्लियर है बेटा? आर्किस्पोरियल सेल बोले तो बेटा प्रपशु कोशिका, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, दिस इज कॉल्ड एज आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है आगे चलकर, ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है बेटा, ये क्या करती है? परिणत विभाजन करती है। परिणत विभाजन को इंग्लिश में हम बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन। ऐसा डिवीजन जो कोशिका की सतह के क्या होता है, पैरेलल होता है, जो कोशिका की सतह के समानांतर विभाजन हो, कोशिका की सतह के बिल्कुल समानांतर विभाजन हो, पैरेलल डिवीजन हो, उसको बोलते हैं परिणत विभाजन। तो ये जो आर्किस्पोरियल सेल होती है ना बेटा, ये विभाजित हो जाती है ना, द्वारा विभाजित होकर बाह्य अधिचर्म के नीचे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, मतलब अधिचर्म के नीचे, तो ये क्या बना देती है? प्राइमरी पेराइटल सेल। देखो यहां पर टर्मिनोलॉजी को सब अच्छे से समझना बेटा। प्राइमरी पेराइटल सेल, हिंदी इंग्लिश सब बताऊंगा, क्या है? प्राइमरी पेराइटल सेल बनाती है और अंदर की ओर क्या बन जाती है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, यानी कि प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल बन जाती है। बात समझ में आ रही है क्या मतलब है इसका? इतनी सी बात है कि जो आर्किस्पोरियल सेल है बेटा, मानो कि ये आर्किस्पोरियल सेल है, मानो कि ये आर्किस्पोरियल सेल थी, तो ये आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड हो गई, और आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड हो गई तो दो सेल्स बन गई। समझ में आ रहा है? दो सेल्स बन गई, एक बाहर की तरफ और एक भीतर की तरफ। जो बाहर की तरफ बनी है, जो बाहर की तरफ बनी है, ऐसे याद रखोगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी पेराइटल सेल। और भीतर की तरफ जो बनी है उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी कि प्राइमरी पेराइटल सेल, और अंदर की तरफ जो बनी है उसको बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। कहने का मतलब इतना सा है बेटा, ये जो सेल है, ये दिख रही है ये वाली सेल, ये डिवाइड होगी, बड़ा सिंपल सा है। तो देखो अधिचर्म के नीचे, जो सेल होगी, अधिचर्म के जो नीचे है ये वाली, अधिचर्म के नीचे यहां पर दो सेल्स बन गई है, ये देखो, इसके डिवीजन से ये जो सेल है ना बेटा, ये डिवाइड हो गई है, तो दो सेल बन गई। एक जो है वो तो हो गई प्राइमरी पेराइटल सेल, जिसको कि शॉर्ट के अंदर हम क्या कहेंगे? पीपीसी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। बेटा मैं दो बार रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, समझ में आया? प्राइमरी पेराइटल सेल, और भीतर वाली जो होगी उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, जिसको कि बोलते हैं पीएससी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ये हर एक कोने के ऊपर होगा ना, ये प्रोसेस एक कोने के ऊपर ही नहीं हो रहा है, ये एक कोने के ऊपर ही नहीं हो रहा है, हर कोने के ऊपर हो रहा है। ये जो सेल है वो देखो हर कोने के ऊपर क्या होती जा रही है? डिवाइड होती जा रही है। तो जब हर कोने, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको समझना पड़ेगा तभी आगे पूरा डेवलपमेंट समझ में आएगा। क्लियर? तो सिंपल है, ये आर्किस्पोरियल सेल है ना बेटा, दो भागों में डिवाइड होगी, एक अधिचर्म के ठीक नीचे जो बाहर की तरफ है वो है पीपीसी, और जो अंदर की तरफ है वो है पीएससी। क्लियर? वापिस से बोल दूं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को हर कोने के ऊपर दो सेल्स नजर आ रही है। क्लियर? चलो अब क्या होता है, दो सेल्स बन गई, दोनों प्रकार की कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती है। अब चाहे वो पीपीसी हो चाहे पीएससी हो, है ना, दोनों सेल्स क्या करेगी? निरंतर विभाजन करेगी, और विभाजन होने से संपूर्ण पराग कोश का निर्माण इन दोनों से ही होगा। संपूर्ण पराग कोश का निर्माण किससे होगा? इन दोनों से ही होगा। और कैसे होगा अभी प्रूव कर देंगे यहां पर। ठीक है, नाउ कैसे होगा? तो दोनों सेल्स डिवाइड करेगी, तो जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, कौन सी थी बेटा? ये वाली बाहर वाली पीपीसी, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दो दो बार लिखा हुआ है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका परिणत विभाजन भी करेगी और अपनत विभाजन भी करेगी। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या है ये बता दो, क्योंकि हमको ये किताबों में मिलता नहीं है। परिणत विभाजन वो होता है बेटा जो कोशिका की सतह के, क्या कहा मैंने, कोशिका की सतह के समानांतर हो, जो कोशिका की सतह के समानांतर हो वो परिणत विभाजन, और जो कोशिका की सतह के संपूर्ण के ऊपर हो वो क्या हो गया? एंटीक्लाइनल डिवीजन। मतलब पेरिक्लाइनल क्या है? डेड डिवीजन विच अकर पैरेलल टू सेल सरफेस, और एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या है? डेड डिवीजन विच अकर परपेंडिकुलर टू द सेल सरफेस।
जो कोशिका के समानांतर विभाजन हो वो तो क्या होता है, पेरिक्लाइनल, और जो कोशिका के समकोण के ऊपर विभाजन हो उसको बोलते हैं एंटीक्लाइनल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये समानांतर और समकोण दोनों विभाजनों से करेगी, और याद रखना ये इनके द्वारा 3 से 5 स्तर की भित्तियों का निर्माण हो जाता है। सीधी सी बात है, याद रखना है बेटा कि ये जो है मतलब कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के विभाजन से, मैं नटशेल में कहूं तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका के विभाजन से पराकोष के चारों तरफ मिलने वाली जो आपने परतें पढ़ी, जो आपने परतें पढ़ी राइट, उन परतों का इनसे क्या हो जाता है निर्माण। आपने कौन कौन सी परतें पढ़ी थी, आपने एंडोथीशियम पढ़ा था, आपने मध्य परतें पढ़ी थी, और आपने क्या पढ़ा था, टेपेटम पढ़ा था। यहां पर मैंने अधिचर्म का नाम नहीं लिया बेटा, यूं तो देखो तो पराकोष के चारों तरफ कितनी परतें थी, 4 परतें थी, बट मैंने अधिचर्म का नाम नहीं लिया है क्योंकि जिस दिन मैंने क्लास में अधिचर्म पढ़ाया था, बाकायदा आपको यदि याद आ रहा हो तो मैंने एक नोट लिख दिया था कि अधिचर्म का निर्माण आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता, तो मैं तो भी आर्की स्पोरियल सेल से ही तो सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। तो याद रखना पराकोष के चारों तरफ, पराकोष के चारों तरफ राइट, पराकोष के चारों तरफ जो 4 लेयर्स मिल रही थी उनमें से अधिचर्म को छोड़ दो, क्योंकि अधिचर्म तो शुरू से है भाई, अधिचर्म तो शुरू से है ना बेटा, अधिचर्म तो शुरू से है, तो ये तो बाद में तो बनी नहीं है, तो अधिचर्म को छोड़कर और बाकी जो तीनों परतें थी कौन कौन सी, अंतस्थीशियम यानी कि एंडोथीशियम, और क्या थी, मध्य परतें यानी कि मिडिल लेयर्स, और क्या थी वो पोषक परत जिसका कि नाम था टेपेटम, वो सारी के सारी किससे बन जाती है, इसी प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी कि प्राइमरी पैरेटल सेल से बन जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यदि कोई पूछे आपसे कि वॉल लेयर्स किससे बनती है, तो इस प्राइमरी पैरेटल सेल से बनती है। तो ये देखो 3 से 5 स्तर की भित्तियों का क्या कर देती है निर्माण, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से बनने वाली, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से बनने वाली सबसे बाहरी परत जो अधिचर्म के ठीक नीचे बनती है, अधिचर्म इनसे नहीं बनी है, प्राइमरी पैराइटल सेल से, प्राइमरी पैराइटल सेल से अधिचर्म नहीं बनी है, बाहरी परत जो अधिचर्म के ठीक नीचे बनती है उसको तो क्या बोलते हैं, अंतस्तर, वेरी सिंपल, एंडोथीशियम। और आप सब जानते हो कि एंडोथीशियम के ऊपर अल्फा सेल्यूलोज की फाइब्रस थिकनेस पाई जाती है, तो बताओ एंडोथीशियम अपनी फाइब्रस लेयर है यानी तंतुमय लेयर कहलाती है। इसके ठीक नीचे, एंडोथीशियम के ठीक नीचे स्थित 1 से 3 कोशिका मोटा स्तर मध्य स्तर होता है, वो भी इसी से बना, और फिर उसके बाद में भित्ति की सबसे अंदर की परत जो बीजाणुजनक कोशिकाओं को घेरे रहती है, यानी कि जो बीजाणुजनक कोशिकाओं को घेरे रहती है, बीजाणुजनक कोशिकाओं को, बीजाणुजनक कोशिका कौन सी है, ये वाली है, तो बीजाणुजनक कोशिका को घेरे हुए होगी, बीजाणुजनक कोशिका को जो घेरे हुए होगी बताओ वो कौन सी है, टेपेटम है, वो कौन सी होगी, टेपेटम। तो ये कोशिकाएं बीजाणुजनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान तथा बाद में लघु बीजाणु में पराकणों के पोषण में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि टेपेटम ये कोशिकाएं, ये कोशिकाएं बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान राइट, क्या कहा, बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान तथा बाद में लघु बीजाणु जब बनते हैं तो पोषण देने में क्या होती है, सहायक होती है। वो बता रहा है टेपेटम का रोल बता रहा है, आर यू गेटिंग ऑन नॉट। तो कुल मिलाकर नट शेल के अंदर यदि मैं बात करूं तो क्या नतीजा सामने आया कि पीपीसी प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बन जाती है, पराकोष के चारों तरफ भित्तीय भित्तीय ये जो भित्ति परतें जो होती है राइट, क्या बन जाती है बेटा, भित्तीय परतों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। याद रखना भित्तीय परतों का क्या हो जाता है, निर्माण, भित्तीय परतें बन जाती है, और कौन कौन सी बनी, 3, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एक और कौन सी बनी बेटा एंडोथीशियम के अलावा, मिडिल लेयर्स, और कौन सी बन गई, टेपेटम, बात खत्म। अब कौन सी कोशिका बच गई, प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल, ये वाली, अब ये वाली बच गई है, ये वाली जो है ये क्या करती है वो देखिएगा। नाउ अब ध्यान से सुनना क्या होता है, परागधानी की भित्ति के निर्माण के साथ ही, परागधानी की भित्ति के निर्माण के साथ ही प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं 2 या अधिक समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु जनक कोशिकाएं बनाती है जो अंत में लघु बीजाणु मात कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब ये कह रहा है कि परागधानी की भित्ति के निर्माण के साथ ही भित्तियां बन चुकी है, बात खत्म,
वो कौन कौन सी? अधिचर्ण तो पहले से ही थी, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और टेपेटम बन चुकी है। अब जब वो बन जाती है तो अभी तो एक कोशिका बाकी है ना बेटा, और वो कौन सी? अपनी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, अब दो या अधिक समसूत्री विभाजन द्वारा, दो या अधिक समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुजनक कोशिकाएं बनाती है। क्या बनाएगी? बीजाणुजनक कोशिकाएं बनाएगी बेटा, क्लियर? और बीजाणुजनक कोशिकाओं का मतलब क्या होता है? स्पोरोजीनियस, स्पोरोजीनियस सेल्स बनाएगी। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि स्पोरोजीनियस सेल्स का जो समूह होता है, स्पोरोजीनियस सेल्स का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू। आपको याद हो, आपको याद हो क्लास, तो मैंने आपको कहा था कि बताओ टेपेटम के अंदर की तरफ यदि लघु बीजाणु धानी के अंदर देखोगे, मैंने डायग्राम दो दो बार डायग्राम बना के क्लास में बताए थे, बताओ टेपेटम के अंदर जो लघु बीजाणु धानी की जो गुहा है उसके अंदर बताओ मुझे स्पोरोजीनियस टिश्यू अपन ने डायग्राम में लेबल किया था कि नहीं किया था बेटा? यानी कि उसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस सेल्स बनी। स्पोरोजीनियस सेल्स ने क्या बनाया? स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है? अब वो जो स्पोरोजीनियस सेल है, हर एक स्पोरोजीनियस सेल कैसे एक्ट करेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह क्या करेगी? एक्ट करेगी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह एक्ट करेगी। बोलो जल्दी से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बेटा 2n होती है, कैन होती है, 2n होती है। उसके अंदर फिर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बताओ क्या बनेंगे? अगुणित लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, क्लियर? तो ये देखो, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अब जो प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, ये वाली प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री, एक याद रखना, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, क्या कहा बेटा? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन से चार अगुणित लघु बीजाणु यानी कि चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स का क्या होता है? निर्माण होता है। चार किसका निर्माण होता है? चार हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। और बताओ जल्दी से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। तो हम तो पढ़ भी तो लघु बीजाणु जनन ही पढ़ रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है? ये बन जाएगा बेटा। अब देखो, बहुत सारी चीज जो कल पढ़ी थी वो वापस यहां पर आएगी, ठीक है? वो आपने पढ़ी हुई है इसलिए जल्दी से समझ में आएगा। तो क्विकली हम लोग देखते हैं, इस दौरान टेपेटम की कोशिकाओं में नष्ट होने से, टेपेटम की कोशिकाओं में नष्ट होने से पूर्व, आप सब जानते हो इस दौरान, इस पूरी घटनाक्रम के दौरान जब ये घटनाक्रम चल रही होती है तो लघु बीजाणु धानी के अंदर ये तो पूरी स्पोरोजीनियस सेल्स और स्पोरोजीनियस टिश्यू है, ठीक है? तो इसी दौरान क्या होता है? जो टेपेटम की कोशिकाएं थी ना बेटा, वो नष्ट होने के पहले गोल गोल कणिकाएं बनाती है। अब ये तो सब जानते हो यार, कल ही पढ़ाया था कि उसके अंदर गोल गोल कणिकाएं बनती है, उनको क्या कहते हैं? युविष्काएं। युविष्काएं कैसे बनी थी आपको मालूम है? प्रो युविष्काएं के चारों तरफ स्पोरोपोलिन की परत बन गई थी और क्या बन गई? युविष्काएं। अब क्या होता है? युविष्काएं एक जटिल पदार्थ स्पोरोपोलिन की बनी होती है, सब जानते हो। प्रो युविष्काएं के ऊपर एक परत बन गई थी स्पोरोपोलिन की, तो ये क्लियर है कि युविष्काएं जटिल पदार्थ स्पोरोपोलिन की क्या होती है? बनी होती है। और ये जो स्पोरोपोलिन है ये एक कैरोटीनॉइड का क्या है? पॉलीमर है बेटा। बहुलक बोले तो क्या है? ये कैरोटीनॉइड का एक पॉलीमर है। कैरोटीनॉइड का क्या? एक पॉलीमर है। इज इट क्लियर? अब टेपेटम क्या हो जाएगी? नष्ट। ये तो सारी के सारी टेपेटम की कोशिकाएं नष्ट होने से पूर्व क्या बनी? युविश बॉडीज बनी। अब टेपेटम की कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो आप सब जानते हो कि टेपेटम की कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो युविष्काय किसमें मुक्त कर दी जाएगी? परागधानी में, यानी कि लघु बीजाणु धानी के अंदर मुक्त कर दी जाएगी। वहां पर जाकर यह युविश बॉडीज लघु बीजाणुओं के चारों तरफ, लघु बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटा बाह्य स्तर, एक मोटा बाह्य आवरण एक्जाइम बनाती है। और बस यही वो टाइम है कि इन मोटी भित्ति वाले लघु बीजाणुओं को, इन्हीं मोटी भित्ति वाले लघु बीजाणुओं को ही हम कहना शुरू कर देते हैं परागकण। तो आज की क्लास में बेटा ये नोट कर लेना कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। लघु बीजाणु और परागकण में बस यही एक फर्क है, बाकी तो हर किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हाँ भाई लघु बीजाणु ही परागकण है। क्यों? क्योंकि परागकण बना ही लघु बीजाणु से। लेकिन याद रखना, लघु बीजाणु के चारों ओर जब युविश बॉडीज, लघु बीजाणु के चारों ओर जब युविश बॉडीज स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बनी, स्पोरोपोलिनिन पदार्थ से बनी एक्साइन लेयर का निर्माण कर देती है तो वही माइक्रोस्पोर, वही लघु बीजाणु क्या कहलाता है?
पोलन ग्रेन कहलाता है, इसको भूलना मत बेटा। एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन दे रखी है और कभी भी आप लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ अब क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में चारों माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु आपस में कैलोज कार्बोहाइड्रेट की पतली सी परत से आपस में चिपके रहते हैं। अभी डायग्राम ड्रॉ करके आपको ये सारी चीजें 5 मिनट के अंदर, ये सारी चीजें आपको जितनी लिखी हुई है वो आपको वापस से एक बार में बता दूंगा। पहले ये दो लाइंस देख लीजिए, प्रारंभिक अवस्था में चारों माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु आपस में क्या रहते हैं बेटा, जुड़े रहते हैं, राइट, परतों से कैलोज से जुड़े रहते हैं। इनके समूह को हम क्या बोलते हैं, चतुष्क कहते हैं। जो लघु बीजाणुओं के जो समूह है, लघु बीजाणुओं के चारों जो समूह है उसको हम क्या कह देते हैं, टेट्राड। लेकिन बाद में शीघ्र ही टेपेटम के द्वारा एक एंजाइम स्थापित होता है, और उसको क्या कहते हैं, कैलेज एंजाइम कहते हैं, जिसका जिक्र आज मैंने भी किया था, कैलेज एंजाइम कहते हैं। और कैलेज के कारण कैलोज घुल जाएगा और चारों के चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे बेटा, मुक्त हो जाएंगे। अब ये जो पूरा जो बता रखा है इसको नटशेल के अंदर यदि मैं आपको एक यहां पर एक डायग्राम से बता दूं तो आप लोगों को फटाफट से चीजें समझ में आने लगेगी। जरा देखिएगा क्या लिखा हो, परागधानी की भित्ति के निर्माण के साथ ही प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं दो या अधिक समसूत्री विभाजन द्वारा, मतलब पीएससी सेल क्या करेगी बेटा, माइटोसिस करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी, और माइटोसिस से क्या बन जाएगी, स्पोरोजीनियस सेल्स बन जाएगी। क्या बन गई बेटा, स्पोरोजीनियस सेल्स बन गई। अब स्पोरोजीनियस सेल्स कैसे एक्ट करेगी, स्पोरोजीनियस सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ में आ रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह क्या करेगी, व्यवहार करेगी। समझ में आ रहा है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका के अंदर, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल के अंदर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन हुआ, इससे क्या बनी, स्पोरोजीनियस सेल्स बनी। ईच स्पोरोजीनियस सेल यानी कि हर एक बीजाणु जनक कोशिका व्यवहार करेगी कैसे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, इट विल बी एक्टिंग एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अब बताओ ये क्या हुआ, मानो कि ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपके सामने बनाई, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जैसा कि नाम दर्शा रहा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मतलब लघु बीजाणु को बनाने वाली कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर को बनाने वाली सेल। तो बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अब क्या होगा बेटा, मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2N होती है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे, चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, राइट, ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स है, चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स कैलोज से जुड़े हुए हैं आपस में बेटा, ये कैलोज से क्या है, जुड़े हुए हैं, कैलोज से ये जुड़े हुए हैं, ऑल 4 माइक्रोस्पोर्स आर ज्वाइंट टूगेदर विद द कैलोज। अब क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, इनके ऊपर कैलेज एंजाइम एक्शन करेगा, कैलेज इज सिक्रेटेड बाय टेपेटम, कैलेज इनके ऊपर एक्ट करेगा, तो जैसे कैलेज एक्ट करेगा तो ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स बेटा सेपरेट हो जाएंगे, है ना, ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स है ना बेटा, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, चारों के चारों सेपरेट हो गए। और वेरी इंटरेस्टिंग कि ये चारों के चारों फंक्शनल है, चारों माइक्रोस्पोर्स बेटा क्या है, फंक्शनल है, चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं, फंक्शनल है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, जब प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होगी तो 4 लघु बीजाणु बनेंगे, इसी दौरान याद करो वो जो टेपेटम है ना टेपेटम सेल्स जो होती है वो इसी दौरान क्या होगी बेटा, रप्चर होगी, और रप्चर होगी तो क्या रिलीज करेगी, रिलीज व्हाट बोलो, कौन सी रिलीज करके क्या रिलीज करेगी, वो यूबिश बॉडीज, ये क्या रिलीज करेगी बेटा, यूबिश बॉडीज, टेपेटम सेल्स रप्चर हो जाएगी और यूबिश बॉडीज को रिलीज करेगी। ये जो यूबिश बॉडीज होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है,
ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है, तो अब यही यूबिश बॉडीज क्या बनाएगी, फॉर्म एग्जाइन अराउंड माइक्रोस्पोर, मतलब वो माइक्रोस्पोर के चारों तरफ, इस माइक्रोस्पोर के चारों तरफ क्या बना देगी, एग्जाइन परत। और आप सब जानते हो एग्जाइन परत किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की। तो बताओ जल्दी से, जब माइक्रोस्पोर फॉर्म एग्जाइन अराउंड माइक्रोस्पोर, तो वही माइक्रोस्पोर अब क्या कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, पोलन ग्रेन, यस और नो बेटा, वही माइक्रोस्पोर अब क्या कहलाएगा, पोलन ग्रेन कहलाएगा, क्लियर है। तो टेपेटम की कोशिकाएं क्या हुई बेटा, रप्चर हुई, उन्होंने अपने अंदर निर्मित युबिशकाय को मुक्त किया। युबिशकाय किसकी बनी होती है, युबिशकाय किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, राइट। जैसे ही टेपेटम नष्ट होगी तो ये जो प्रो युबिश बॉडीज है वो कहां पर मुक्त होगी, लघु बीजाणु धानी के अंदर, वहां पर इन्होंने लघु बीजाणु के चारों ओर, माइक्रोस्पोर्स के चारों ओर क्या बना दी, बाह्य चोल बना दिया, यानी कि एग्जाइन लेयर बना दी। वही माइक्रोस्पोर जब उसके चारों तरफ, माइक्रोस्पोर के चारों तरफ जब एग्जाइन लेयर बन जाती है, तो अपने उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं बेटा, पोलन ग्रेन, क्या कहना शुरू कर देते हैं, पोलन ग्रेन, यानी कि उसको पराकण कह देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। अच्छा, जब चार माइक्रोस्पोर बने हैं बेटा, याद रखना, ये जो चार माइक्रोस्पोर्स बने हैं ना, ये टेट्राड के फॉर्म में है बेटा। ये किसमें फॉर्म में, टेट्राड, टेट्राड मतलब समझते हो, चतुष्क, चतुष्क का मतलब ये चार का समूह। और ये जो चार माइक्रोस्पोर जो इकट्ठा पाए दिख जा रहे हैं, जो आपको चार माइक्रोस्पोर इकट्ठा दिख रहे हैं, जानते हो ये कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की पतली परत से जुड़े हुए हैं। लेकिन शीघ्र ही टेपेटम के द्वारा कैलेज का स्थावन होता है, शीघ्र ही टेपेटम के द्वारा कैलेज का स्थावन होता है, और कैलेज जाकर और डिसॉल्व कर देगा बेटा किसको, कैलोज कार्बोहाइड्रेट को। तो बताओ, कैलोज तो पतली सी परत के रूप में था, डिसॉल्व हो जाएगा, तो बताओ चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो जब बनते हैं तो ये चारों माइक्रोस्पोर्स साथ में रहते हैं, हम साथ साथ हैं, और उसके बाद में ये चारों माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये देखो, ये माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गया, ठीक है। और इसी माइक्रोस्पोर के ऊपर जब बेटा एग्जाइन लेयर बन जाए, इसी माइक्रोस्पोर के ऊपर जब एग्जाइन लेयर बन जाती है, तो आप उसको क्या कहते हो, पोलन ग्रेन या पराकण। तो आपको ये समझना होगा कि माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन अलग अलग रचनाएं नहीं है, लेकिन हल्का सा फर्क ये कि जब तक उसके ऊपर एग्जाइन ना बने, तब तक उसको पोलन ग्रेन ना कहो, तब तक उसको माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु को। जब लघु बीजाणु के ऊपर एग्जाइन लेयर बन जाए, तो उसको क्या कह दो, पोलन ग्रेन कह दो। आर यू गेटिंग, ये बात यहां तक बेटा समझ में आई है या नहीं आई है, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नाउ सामान्यतया अब देखो, ध्यान से देखना बेटा, अब क्या कहा हमने, सामान्यतया देखिएगा, सामान्यतया प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु चतुष्क बना सकती है, सामान्यतया यही होता है। सामान्यतया ये देखते हैं कि हर एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, और उसके फलस्वरूप क्या बनाती है, बीजाणु चतुष्क मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है, यस और नो। अभी आपने देखा था टेट्राड बना सकती, किंतु कुछ पादपों में, ध्यान रखना ये एक्सेप्शन केस है बेटा, कुछ पादपों में जैसे कि जोस्टेरा एक्वेटिक प्लांट है बेटा, कुछ प्लांट्स में जोस्टेरा में कुछ लघु बीजाणु मात्र कोशिका बंदी हो जाती है बेटा, स्टराइल हो जाती है, मतलब लघु बीजाणु नहीं बनाएगी, स्टराइल होकर शेष क्रियाशील लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। मतलब कि जोस्टेरा जो एक एक्वेटिक प्लांट है, उसमें क्या होता है, सारी के सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु चतुष्क नहीं बनाती है, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड नहीं बनाती है, कुछ लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती है, कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल स्ट्राइल हो जाती है, और स्ट्राइल होकर जो शेष जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उनको बेटा क्या देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इज इट क्लियर और नॉट, आर यू गेटिंग। तो अब चतुष्क बना,
आपने क्या देखा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, चार माइक्रोस्पोर्स इकट्ठा पाए जा रहे थे तो उसको हमने कहा था टेट्राड। अब ये जो टेट्राड है बेटा, ये टेट्राड के भी टाइप्स होते हैं। टेट्राड के भी क्या होते हैं टाइप्स, जैसे एक बच्चे ने अभी मेरे से क्वेश्चन पूछा पांच टाइप के टेट्राड्स इकट्ठे एक ही पादप में क्या किस में पाए जाते हैं, तो मैंने बोला एरिस्टोलो के एलिगेंस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा यहां पर। चतुष्क में लघु बीजाणु की व्यवस्था निम्न प्रकार की होती है, तो मुझे चार या पांच प्रकार के क्या पढ़ाने पड़ेंगे बेटा, चतुष्क पढ़ाने पड़ेंगे। जरा क्विकली देखिए, चतुष्फलकीय चतुष्क, टेट्राहेड्रल टेट्राड। पहली चीज तो मैं बता दूं, मोस्ट कॉमन टेट्राड, मोस्ट कॉमन टेट्राड, यदि कोई सबसे कॉमन यदि कोई टेट्राड है बेटा तो वो कौन है, चतुष्फलकीय चतुष्क। चार अगुणित लघु बीजाणु चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं और ये सबसे सामान्य प्रकार का चतुष्क है, मोस्ट मोस्ट कॉमन। वैसे तो मैं आपको पांच प्रकार के चतुष्क पढ़ाऊंगा, लेकिन यदि कोई पूछे कि सबसे कॉमन कौन सा, तो टेट्राहेड्रल टेट्राड। किसमें मिलता है, डाइकोट में मिलता है। किसमें मिलता है बेटा, डाइकोट। अरे भाई कैप्सुला भी तो अपना डाइकोट प्लांट ही है, कैप्सुला इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, उसमें भी तो मिलता है। जरा देखें कैसा होता है, ये बेटा आपके सामने जो बना हुआ है वो टेट्राहेड्रल टेट्राड है। अब आप इस डायग्राम को देख के बोलोगे कि सर ये टेट्राहेड्रल का, हमको तो तीन दिख रहे हैं। तो बेटा इसके अंदर एक पीछे के प्लेन पर है, एक पीछे के तल के ऊपर है, तो जब देखते हैं तो आपको तीन ही नजर आएंगे, लेकिन ये मत सोचना कि तीन है, ये चार है। इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से कि टेट्राहेड्रल टेट्राड आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये चतुष्फलकीय चतुष्क है, जो डाइकोट्स में पाया जाता है, जो कैप्सुला में पाया जाता है, जो सबसे कॉमन होता है। ठीक है, दूसरा आ जाओ, समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक में क्या होता है, ये एक बीच पत्तियों में पाए जाते हैं। इट इज द करेक्टरिस्टिक, यदि ये डाइकोट की विशेषता है टेट्राहेड्रल, तो आइसोबाइलेट्रल समद्विपार्श्विक मोनोकोट्स की विशेषता है। और यदि टेट्राहेड्रल के बाद में यदि कोई कॉमन है तो वो कौन है, ये वाला है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपको चारों के चारों एक ही प्लेन पे दिखाई, ये देखो इसमें चारों एक ही तल पर हैं, राइट। तो इसको क्या कह दिया, समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेट्रल। यहां पर चारों एक तल पर नहीं है, तीन एक तल पर, एक बैक पीछे तल पे है। क्रोसित, अब क्रोसित में भी होंगे तो चार ही, लेकिन ये बहुत रेयर मिलता है बेटा, बहुत रेयर। इसमें दो दो बीजाणु एक दूसरे के समकोण पे होते हैं, मतलब ऊपर के दो नीचे के दो के परपेंडिकुलर होते हैं, ऊपर के दो नीचे के दो के परपेंडिकुलर होते हैं, समकोण यानी कि परपेंडिकुलर पे होते हैं। रेयर है ना बेटा, आमतौर पर नहीं पाया जाता। मैग्नोलिया, ये देखो ऊपर के दो नीचे के दो पर 90 डिग्रीज पर है, तो ये दो तो दिख रहे हैं, अब इसके यहां पर ये एक ही दिख रहा है, तो इस प्रकार का जो होता है वो क्या कहलाता है, क्रोसित। इस प्रकार का जो टेट्राड है वो कौन है बेटा, क्रोसित है। और अब आगे बढ़ते हैं क्रोसित की, क्रोसित किस में पाया जा रहा है, रेयरली मैग्नोलिया में पाया जाता है। टी आकार चतुष्क, टी आकार कैसा, ये टी शेप बन रहा है बेटा, ये ऊपर के दो और ये नीचे के दो, टी आकार। इस प्रकार के चतुष्क में दो लघु बीजाणु लंबवत, ये देखो, और दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में स्थित, दो तो अनुप्रस्थ, दो तो ऐसे और दो ऐसे पाए जाते हैं। ये भी रेयर है, एरिस्टोलोकिया और ब्यूटेमोपसिस के अंदर ही मिलते हैं, एरिस्टोलोकिया और ब्यूटेमोपसिस में ही मिलते हैं। रेखीय चतुष्क, इसमें चारों के चारों लघु बीजाणु, ये देखो एक दो तीन और चार, एक रेखा के अंदर है सीधा। और ये किसमें मिलते हैं, हेलोफिला और हेलोफिया में, हेलोफिला और हेलोफिया के अंदर ये मिलते हैं, क्लियर है। और जैसा कि एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि पांचों के पांचों प्रकार, एक दो तीन चार पांच, कुदरत का करिश्मा देखिए, पांचों के पांचों प्रकार के चतुष्क किसमें पाए जाते हैं, तो एरिस्टोलोकिया एलिगेंस के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं बेटा, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, क्लियर। तो आज की क्लास तक मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अभी पूरा किया है बेटा, है ना, मैंने क्या कंप्लीट किया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और मैंने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में से जब वो अलग होंगे तो माइक्रोस्पोर बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन की संरचना कैसी होती, कल से पूरी की पूरी माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन की संरचना चलेगी। सो थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना ही।